अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो आज की हमारी क्लास है स्टॉप्स की अरेंजमेंट करना। मैं बताऊंगी कि मैंने इसकी ये अरेंजमेंट किस तरह की। तमाम फ्लावर्स लीव्स मैंने प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। तो ये टॉप्स बेस है जो मैं यूज़ की है। देन इसके ऊपर हम अपनी क्ले को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम अपनी बेस के ऊपर ग्लू को अप्लाई करेंगे। ग्लू अप्लाई करने के बाद देन हम अपने सबसे पहले लीव्स की अरेंजमेंट देखेंगे कि हमने अपने लीव्स की अरेंजमेंट किस तरह की हुई है। फर्स्ट लीव हमारा यूं लगेगा। देन सेकंड लीव यूं एंड थर्ड लीव हमारा यूं लगेगा। थ्री लीव्स जी। उसके बाद हम ये ऐसे अपनी ग्लू को अप्लाई करेंगे। लीव्स लगाने के बाद हमने अगेन अपनी ग्लू को अप्लाई किया और अपने फ्लावर को हम यूँ रखेंगे। सबसे पहले जो हमारी स्मॉल अरेंजमेंट है हम उसको करेंगे ताकि हमें लीव्स बाकी तमाम चीज़ें अरेंज करने में मुश्किल ना हो। कोशिश करें कि जब भी अरेंजमेंट वाला काम करें आपकी तमाम लीव्स फ्लावर हर चीज़ अच्छे से ड्राई हो। ठीक है, जब ड्राई होगी तो आप इजीली अपने अरेंजमेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं इसी जो अपने मेरा ये टॉप्स है इसको ही देखकर अपनी ये अरेंजमेंट करती जा रही हूँ। वन बाय वन अपने फ्लावर्स अपनी हर चीज़ लगाती जा रही हूँ। और ये रोज़ बर्ड इसका प्रिपरेशन मैंने वन बाय वन आपको शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियोस देखी हैं तो उसमें ये फ्लावर्स भी बने हुए हैं और रोज़ेस भी बने हुए हैं, लीव्स भी बने हुए हैं। अब इसके ऊपर हमने अपना ये रोज अरेंज करना। अब हम यहाँ पर अपनी ग्लू को अप्लाई करेंगे और देन हम अपना ये रोज लगाएंगे। ठीक हो गया। तो ये है हमारे एयररिंग्स। तो ये है हमारे एयररिंग्स। ये
अब हम इसके अंदर अपने पर्ल स्टोन्स का वर्क करेंगे, जिसके लिए हम अपनी ज्वेलरी वायर यूज़ करेंगे। सबसे छोटे छोटे स्टोन्स हम इसके अंदर लगाएंगे। सबसे पहले हम अपनी ज्वेलरी वायर को कट करेंगे। इसी तरह आप इनके साथ टॉप्स बना सकते हैं, इसी तरह नेकलेस बना लें, बहुत प्यारे लगेंगे। वन बाय वन हम इस तरह इनके अंदर लगाते जाएंगे। ऐसे ऐसे स्टोन का यूज़ हम पर्ल का यूज़ इसलिए करते हैं कि एक तो हमारे एयर रिंग्स खूबसूरत हो जाएंगे, और दूसरा जहाँ पर हमारी थोड़ी बहुत फिटिंग की कमी रह जाती है तो ये चीज़ उस चीज़ को फिल कर देती है। स्टोन वर्क, पर्ल स्टोन्स का स्टोन वर्क, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह आपने इनको अरेंज कर लेना है। तो ये है हमारे ब्यूटीफुल खूबसूरत से एयररिंग्स जो कि प्रिपेयर हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।